हे hey, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 6 का मैं लगातार एनएम कोड का वीडियो डाल रहा हूँ मॉडल पेपर का, और आप लोगों का कमेंट मस्त मस्त आ रहा है यार कि सर पूरा फंस गया। आहा, यही आ रहा है सर। ठीक है, आप लोगों ने कल तो बहुत सारा कमेंट किया कि सर कक्षा 6 का संस्कृत का दे दीजिए मॉडल पेपर, क्योंकि संस्कृत का पेपर आने वाला है और उसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है अगर ना मिला एनएम कोड का पेपर। तो मैंने कहा भाई मेरे रहते हुए आप लोग तकलीफ उठाएं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो भाई खोजबीन चालू हो गया और एनएम कोड का संस्कृत का पेपर मैं विदिन 24 आवर्स निकाल लाया हूँ, और ये आपको पहले ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने को भाई, श्री गणेश अकेडमी चैनल से जुड़े हो तो आपको हर विषय का मॉडल पेपर मिलेगा। और जो नए बंदे हो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आप लोग फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर सेट इसलिए लिखा रहता है क्योंकि मैं इससे पहले और भी वीडियो इस विषय का डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर ये सेट 4 है तो इसका मतलब है कि 3 वीडियो संस्कृत का कक्षा 6 का मैं पहले से प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ, उसको पब्लिक कर चुका हूँ। तो आप चाहें तो इस पेपर को देखने के बाद उन 3 पेपर को भी देख लेना, क्योंकि हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं वो पूरे पेपर देखते हैं, हर एक मॉडल पेपर को देखते हैं, जिससे वो टॉप मारते हैं। पूरा अगर साल भी नहीं पढ़े हैं ना तो 5 मॉडल पेपर को देखकर ही वो टॉप मार देते हैं, पूरे क्लास में टॉप आ जाते हैं। तो ये आप भी कर सकते हो, बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए यही पेपर हर जगह आ रहा है, यानी कि एनएम कोड का पेपर फंस रहा है, तो आप लोग इसको रट जरूर लेना। ठीक है भाई, सबसे बोल रहा हूँ, ठीक है रट लेना। चलो स्टार्ट कर देते हैं, आपको हल सहित दूंगा। ठीक है, पहला है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। चलो अर्थ लिखना है, कहते हैं तम किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। आजादा, आजाद। कश्यप, कस्तो पिता, पिता का। स्वाभिमान, स्वाभिमान। कौ, निवास स्थानम, निवास स्थान क्या है। कारागारा, जेल। न्यायाधीशस्य प्रश्नानाय एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतंत्र काले या अयच्छत् शाह आशीष चंद्रशेखरः। आजादा, तो ये चंद्रशेखर आजाद जी थे जिन्होंने इस तरह के उत्तर दिए। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, आओ मैं आपको दिखाता हूं। हो जाएगा आजाद, तुम्हारा कहे तुम्हारा नाम क्या है। आजाद, तुम्हारा पिता कौन है। स्वाभिमान, घर कहाँ है। जेल खाना। और इसके बाद है गुलामी के दिनों में न्यायाधीश के प्रश्नों के इस प्रकार उत्तर दिए थे वे चंद्रशेखर आजाद थे। और हम लोगों के आइडियल भी हैं दोस्तों, अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को लाइक करते हो और उनकी उनकी इतनी बड़ी बलिदान को हम लोग सम्मान करना चाहते, सम्मान हमें हमेशा प्रदान करते हैं, वो हमारे दिल में बसते हैं, तो 1 लाइक देश के वीर सपूतों के लिए हो जाए। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अथवा करके आया था तो अथवा नहीं हल कर रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे है मावद मिथ्या, मावद व्यर्थम, ना चल कुमार्गे, ना कुवर्तनम, कुर्वन्नर्थम, पाहि विपन्नम, पायल दीन, पालय दीनम, लालय जननी जनकविहीनम। यहाँ पे अथवा करके है राघव माधव सीते ललिते विनाय मा विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुल विमले वायु विहारम करवाम। अर्थात राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम, विमान यान बनाओ रचो, नीले गगने विपुल में विस्तृत स्वच्छ नीले गगन में विहार करें। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी कि, में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 5 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको देना है, मैं सबका देकर दिखाऊंगा। बालका केन क्रीडंती, तो बालका कंदुकेन क्रीडंती। ठीक है, चलो मैं आपको ओपन कर देता हूँ भाई, वहां से दिखाता हूँ। ओके, इसको रोटेट कर देता हूँ थोड़ा, 1 सेकंड, आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो ये है बालका केन क्रीडंती, इसका उत्तर हो जाएगा कंदुकेन। ठीक है, 1 लाइन का उत्तर। ठीक है, चलो इसके बाद है कम पालय, कम पालय का मतलब होता है किसने पाला। तो हम चलिए यहां पर आपको दिखाते हैं किसने पाला, तो यहां पर हो जाएगा कम पालय, तो इसका हो जाएगा दीनम। ठीक है, कम पालय आप इसका अर्थ देख लीजिएगा, फिर यहां पर उत्तर हो जाएगा दीनम। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा शंकर से पिता, पिता कदा दिवगता, यानी शंकर के पिता जो थे वो कब खत्म हुए थे, तो यहां पर हो जाएगा शंकर से पिता बाल्यकाले दिवंगत, बाल्यकाले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है श्रृंगाला कुत्र वसति अस्म, तो कहाँ निवास करती थी श्रृंगाला, तो इसका हो जाएगा कस्मिचित अरण्ये, कहाँ पे कस्मिचित अरण्ये।
गणतंत्र दिवस से समारोह कदा भवति? तो इसका हो जाएगा 26 तारीख, पहला महीना दिनांक है, 26 1 दिनांक, 26.01 दिनांक है, ऐसा लिख देना, ठीक है, जैसे लिखा है। आजादस्य पूर्ण नाम किम? तो आजादस्य पूर्ण नाम किम, तो इसका हो जाएगा चंद्रशेखरा आजादा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखरा आजादा। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, देखिए मैं यही से करके दिखा रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना, स्क्रीन को ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर ये है मतलब जिसपे भरना है, और ये चार हैं जिनको, पांच हैं जिनको भरना है, ठीक है। तो पहला है वयम बालकान डॉट डॉट पश्यामा, हम सब देखते हैं, हम सब बालक लोग देखते हैं, क्या देखते, किससे देखते हैं, नेत्राभ्याम, यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। फिर है विद्यालय, तो डट डट यहाँ पे है, विद्यालय में क्या भरा जाएगा, शिक्षायै ही भवन्ति, यानी विद्यालय किस लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है, ठीक है। अगला है उपवन, उपवन रक्षक, तो डट डट जलम आने आनयति, तो जो उपवन के रक्षक होता है वह जल कहाँ से लाता है, तो कुपात, यानी कुएं से लाता है, कुपात हो जाएगा, ठीक है। भ्रमरा डाट डाट ऊपर ही गुंजती, जो भ्रमर है वो ऊपर गुंजन करता है, हार बिहार करता है, किसके ऊपर करता है, तो वृक्षेषु, यानी वृक्षों के, ठीक है, ध्यान दे लीजिए, यही पेपर आने वाला है, इसलिए आप मस्ती में बिल्कुल मत लीजिए, पूरा जो बता रहा हूँ ध्यान दे लो एक एक। इसके बाद है खगा, सॉरी यहाँ पर जो भ्रमरा वाला है वो कुसुमा नाम हो जाएगा, यानी जो हमारे फूल पत्तियां होती है उसके ऊपर गुंजन करता है। खगा डाट डाट न्यूसंती, खग माने क्या होता है, पक्षी कहाँ निवास करती हैं, वृक्षेषु, यानी वृक्षों पर, ठीक है। इसके बाद है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ संस्कृत में एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, अपने पाठ्य पुस्तक में जाकर के कोई भी याद कर लीजिएगा। कह रहे हैं किन्हीं 5 शब्दों का अर्थ लिखिए, चलिए मैं आपको 5 शब्दों का अर्थ बताता हूँ। खै कह, क माने कौन, तम माने तुम, और अहम आवाम क्रीड़ा क्षेत्रम वही, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है, ओके, ये इसको मैं थोड़ा सा रोटी मार देता हूँ। चलो, का माने हो जाता है कौन, तो माने हो जाता है तुम, अहम माने होता है मैं, आवाम माने होता है हम दोनों, क्रीड़ा क्षेत्र माने होता है खेल का मैदान, बहि माने होता है बाहर। आप इसको ध्यान दे लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अहम और आवाम में आप बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा आपका, नहीं लिख पाएंगे, मैं ऐसा कहता हूँ, इसलिए आप लोग इसको पूरा का पूरा ध्यान से भाई देख लो, गलती नहीं करना है, टप मारना है, तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ किसी भी पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए, तो ये आपको लिखना है भाई, कोई भी पाठ उठा लीजिएगा उसका सारांश आपको पता होगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है जी यार, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन का लिख देना है या फिर 5 लाइन का, बस पूरा नंबर मिल जाएगा भाई, क्लास 6 में मिल जाता है, टेंशन ना लो भाई, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, मेरे रहते हो यार, कोई टेंशन ना लो भाई, कोई टेंशन नहीं, सब पेपर आ जाएगा। किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद करना है, विद्यालय, तो विद्यालय क्या होता है, विद्याधन आलय, विद्यालय। गणेश, गणधन ईस, आधन ई मिलकर के ए बन जाएगा, तो गणेश हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, तो सूर्योदय हो जाएगा। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, अर्थात विद्यार्थी, तो इसको मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप लोग लिखना चाहें, देखो इस तरह से आप लोग लिख लेना, विद्याधनालय बराबर विद्यालय, गणधन ईस बराबर गणेश, सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, ठीक है। स्क्रीन आप वीडियो को पुश करके जहां चाहें वहां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बालक अथवा पुस्तक शब्द के रूप, तृतीय विभक्त के तीनों वचन में लिखिए, तो ये कैसे होगा, आइए दिखाता हूँ। तृतीय का ए तृतीय के लिखना है ना, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा बालकेन, बालकाभ्याम और बालकैः, ये आप देख लीजिए ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है पठ अथवा गम धातु के रूप, लट लकार तीनों वचनों में लिखिए, तो ये हो जाएगा पठति पठता पठन्ति, पठस पठता पठत, पठामि पठाओ पठामा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, ये जो विसर्ग वाला है, ये देखो मध्य में तीनों में विसर्ग है और अंतिम के सबसे अंतिम में विसर्ग है, ये आपको ध्यान देना है विसर्ग का, नहीं तो नंबर कट जाएगा, बाकी आपको पूरा ध्यान दे लेना है, ठीक है। इसके बाद है पयोपदान योजत, यानी कि पर्यायवाची लिखना है, तो विमल का क्या हो जाएगा, विमल का हो जाएगा निर्मले, ये जल का पर्यायवाची होता है, तो विमल का निर्मली हो जाएगा, यानी निर्मल स्वच्छ जल है। गगन का क्या हो जाएगा, गगन का हो जाएगा आकाशे, क्या हो जाएगा आकाशे। सूर्य का क्या हो जाएगा, दिवाकर, सूर्य का क्या हो जाएगा, दिवाकर। चंद्रमा का क्या हो जाएगा, निशाकर, क्या हो जाएगा, निशाकर। अम्बुद का क्या हो जाएगा, जलद, अम्बुद का क्या हो जाएगा, जलद, ठीक है। तो ये देख लिया, चलो मैं आपको एक बार मिला के भी दिखा देता हूं,
एक सेकंड, लो विमल कहाँ जाएगा निर्मले में, गगन कहाँ जाएगा आकाश के पास, सूर्य कहाँ जाएगा दिवाकर, चंद्रमा निशाकर, अम्बुद और ज्वलंत। ठीक है, इसके अनुसार ले लो लेना है तो। इसके बाद है भिन्न वर्गस्थ पदम चिन्ह, यानी ये जो आपको पद दिया गया है इनमें से जो भिन्न है उसको चुनना है। तो पहला है छात्रा, शिक्षका, भिक्षुका, प्राचार्या। तो छात्र, शिक्षक और प्राचार्य सब एक कैटेगरी में आते हैं, भिक्षुक नहीं आता है, इसलिए भिक्षुक यहाँ पर भिन्न है और इस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? भिक्षुक। अगला है शुक्र, कपोता, वानरह, काका। अब देखो शुक्र हो या कपोता हो या काका हो, तीनों है पक्षी। वानर क्या है? जानवर है लेकिन पिग वाला, पक्षी नहीं है, इसलिए आप ये भिन्न है इसको हटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। फिर है पत्रम, पुष्पम, मित्रम, फलम। तो ये जो पत्रम है, पुष्पम है, फलम है, इन तीनों में जीव नहीं होता है, यानी कहने का मतलब, देखो सजी कहने का मतलब ये चल फिर नहीं सकते हैं खुद से। ठीक है, मित्रम, मित्र एक अलग अलग चीज है, वो संबंध स्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहां से ये भिन्न है। फिर है सिंह, मयूर, मंडुका, गजा। सिंह हो, मयूर हो, मंडुका हो, गजा हो, तो इनमें जो सबसे अलग होगा वो होगा मंडुका। मेरे अंजा से, ये अपने गुरु जी से पूछ लेना, मेरे अंजा से मंडुका इसलिए होगा, मेरा तर्क ये है कि सिंह हो या मयूर हो या गज हो, ये तीनों स्थल प्राणी हैं। ठीक है, लेकिन मंडुका जो है वह उभयचर है, यानी स्थल में भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, इस कारण से ये पृथक हो गया है, यानी भिन्न है। बाकी आप अपने क्लास टीचर से पूछ लेना कि यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है वो शरीर के आकार के रूप में बताएं, हो सकता है वो मयूर को अलग कर दें क्योंकि वो नाचना जानता है, बाकी सब नाचते नहीं हैं, हो सकता है वो हाथी को अलग कर दें क्योंकि अन्य तीनों शिकार करते हैं या कुछ मांस खाते हैं, गज जो है वह शिकार नहीं नहीं लिया, गज तो शिकार करता है। भूल जा रहा भाई मैं खुद, आप बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जा भाई अपने टीचर से पूछ लेना, जो चीज आ रहा है मैं कंफर्म बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो और भी मॉडल पेपर आने वाले हैं यार, बस जाओ सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैला दो वीडियो को, फैला दो जितना हो सके। ठीक है, जय हिंद।